हेलो बॉयज, आज मैं आप लोग को वॉलीबॉल के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। वॉलीबॉल तो खेलते हैं, बॉल को उस पार इस पार करना, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। बॉल मेरे हाथ में है, सबसे पहले बॉल पर जाते हैं। बॉल इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि 65 टू 67 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट, इस बॉल का वेट 260 टू 280 ग्राम होनी चाहिए। हवा, एयर प्रेशर, इसका एयर प्रेशर 0.40 टू 0.45 किलोग्राम होनी चाहिए। उसके बाद इतने दौरों से गुजरने के बाद ये बॉल कोर्ट में आती है। कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट 18 गुने लंबाई, 18 गुने 9 चौड़ाई होती है। 18 गुने 9 साइड लाइन बनाते हुए कोर्ट बनती है। सेंटर लाइन से 3 मीटर एक और लाइन बनाते हैं जिसको अटैक लाइन कहते हैं। अटैक लाइन से एंड लाइन 6 मीटर का पूरी तरह कोर्ट बन जाती है। कोर्ट के बाद प्लेयर्स, वॉलीबॉल में 12 प्लेयर्स खेलते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट, 6 आ गया, 6 पोजीशन होते हैं उनके। अगर रोटेशन पे खेलते हैं हम लोग तो अटैक लाइन से पहले 1, उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह पोजीशन होते हैं। रोटेशन, हर सर्विस के बाद 1-2 में जाएगा, 2-3 में जाएगा, 3-4 में जाएगा, 5-6 इस तरह रोटेशन होता है। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स पे जाएंगे। पॉइंट्स, हर सेट best of 5 होता है। मैच का best of 5 में अगर मैच हर पॉइंट जो है 1 to 25 है, 25 मैच गेम पॉइंट होता है। लेकिन अगर best of 5 में दो टीम, दोनों 2 और 2 मैच जीत गए हैं, तीसरा मैच, पांचवा मैच 1 to 15 या 15 में होता है ख़त्म, गेम 15 में ओवर होता है। उसके बाद स्कोरिंग, ए और बीच में मैच हो रही है, अगर ए टीम 10 पॉइंट्स पे है और बी टीम 17 पॉइंट्स में, तो 17 ज़्यादा है और 10 कम, इसका मतलब ये नहीं कि हम 17 और 10 बोलेंगे, 17-10। जिस टीम का सर्विस होता है उसकी पॉइंट्स पहले बोले जाते हैं। जैसे अगर 10 पहले सर्विस करता है तो 10 to 17, उसी तरह बी अगर सर्विस करता है तो 17 to 10। उसके बाद हम लोग सर्विस में जाएंगे। सर्विस जो है हमेशा इंड लाइन के बाहर फेंकी जाती है। इंड लाइन के बाहर से हम शुरू करेंगे। अगर सर्विस करते समय इंड लाइन टच कर दिए, फाउल है। सर्विस में अगर, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सर्विस अधिकतर दो टाइप तरह करते होते, तो 6 हैं लेकिन अधिकतर 2, एक अंडर हैंड ये, एक टेनिस सर्विस ये, इस तरह 2 सर्विस होते हैं। अगर सर्विस कोई भी अगर अंडर हैंड या टेनिस सर्विस करते हैं, बॉल हवा में होना चाहिए। अगर हाथ बिना बॉल को हवा में उछाले करें वो फाउल है। उसके बाद सर्विस में अगर बॉल को सर्विस करते समय यूं 2 बार उछालें उसके बाद सर्विस करें, अगर नहीं करते हैं तो ये फाउल है। उसके बाद हम लोग फिंगरिंग में चलते हैं। कुछ फिंगरिंग का टिप्स बताता हूँ। फिंगरिंग क्या है? फिंगरिंग हाथों का कमाल है। आप फिंगरिंग कर रहे हैं, अगर ये टच हो गया ये फाउल है। फिंगरिंग हमेशा यूं आराम से फिंगरिंग करते हैं। उसके बाद हर मैच में हर टीम के पास 3 प्लेयर मोस्ट होते हैं। एक जो डाइविंग करता हो, दूसरा जो बूस्टिंग करता हो, तीसरा
जो स्मैशिंग करता हो, बूस्ट डाइविंग, आते हुए बॉल या गिरते हुए बॉल को जो उठाए, वो डाइविंग। बूस्टिंग, जो बना उठाए हुए को बॉल फिंगरिंग द्वारा बनाए, वो बूस्टिंग। स्मैशिंग, जो बनाए हुए को स्मैश करें, वो स्मैशिंग, वो स्मैशिंग। ये तीन प्लेयर्स जिस टीम में मजबूत की स्थिति में होते हैं, वो समझिए टीम जीत जाती है। बस आज इतना ही, अगले मुलाकात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।